हेलो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, बात रखे। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? और अब हम करते हैं काम। ये देखिए, हमने सफाई कर ली है तो साफ़ सुथरा कमरा ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो बच्चों को तैयार करके मैंने सोचा कि चलो मैं सफाई कर देती हूँ। बच्चे जो हैं वो नीचे खेलने के लिए चले गए हैं अपनी दादों के पास, फूफों के पास, और मैं जो हूँ अभी काम से फ्री हो गई हूँ। टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, अब दोपहर के खाने का टाइम हो रहा है और सुबह का नाश्ता जो है वो हमने नीचे जाके कर लिया था। ऊपर जो है सिर्फ हमारी रिहाइश है, ऊपर हमारा कोई ऐसा काम नहीं है कि मैं नाश्ता वगैरह सब नीचे होता है सब, तो फिर इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पर रहते हैं और सफाई वगैरह करते हैं और खाना शाना जो है हम तीनों टाइम का नीचे ही खाते हैं। तो मैंने सिलाई मशीन ला के रखी थी, मैंने कहा कि कपड़े सिलाई करूँगी। तो अभी जो मैंने है एक दो फ्रॉक हरीम के लिए सिलाई की हैं, वो तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने हरीम का फ्रॉक सिया है, इसमें देखिए मैंने चुन्नी लगा के खूबसूरत सा बना के इसको सी दिया है। ये देखिए, ये फ्रॉक उसका मैंने सिया है और ये है इसकी कैप्री। अब इसको ओवरलॉक कराएंगे। क्योंकि मैं अभी अम्मी के घर जाऊंगी तो फिर इसलिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और आज जो है हम शॉपिंग पे भी जाएंगे और वो जो हम चीज़ें लेके आएंगे वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अपने प्यारे बहन भाइयों को, अपने व्यूवर्स को ज़रूर चेक कराऊंगी कि हमने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं। तो व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको शॉपिंग दिखाऊंगी, तो मैंने सारे कपड़े जो हैं वो शॉपर से बैग से पहले ही निकाल लिए हैं, क्योंकि मैं एक हाथ से जो है वीडियो बनाऊंगी और एक से आपको कपड़े का रिव्यू करवाऊंगी। तो ये है जनाब हरीम का सूट, ये इसकी पप्पो पसंद करके लेके आई हैं। ये देखिए, ये जो है एक सूट ये है इसका, और दूसरा जो है वो ये है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, सेपरेट पैंट है और सेपरेट ही इसकी शर्ट खरीदी है। और एक जो है ये है, ये उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया है मेरी बेटी को। ये इसका ट्राउज़र है और ये जो है इसकी शर्ट है रैबिट वाला, अपर है इसका। और ये देखिए, इसके अपर के ऊपर, हुडी के ऊपर जो है ये भी लगाए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत लुक आ रही थी जब हमने उसको ये चेक कराया, बहुत ही प्यारा सूट है। और मेरे बहन भाइयों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को ये सारे कपड़े जो हैं हरीम के वो कैसे लगे हैं। और एक हमने हरीम के लिए ये ख़रीदी है, सेपरेट ट्राउज़र जो है, इसके ऊपर अभी हमने शर्ट नहीं ली है क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया था बाज़ार गए हुए, काफ़ी देर हो गई थी, लेट हो गए थे बहुत, तो इस वजह से फिर हम लोग
नहीं लेके आए, अभी एक दो दिन में जब दोबारा से जाएंगे तो फिर इसकी शर्ट भी लेके आएंगे। और अब ये जो हैं ये हारिस के, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब जो है चेक वाली शर्टों का फैशन है, तो उसी हिसाब से जो है मार्केट में भी यही चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो ये पहला सूट है हारिस का, ये इसकी पैंट है, इसकी भी इसी तरह से हमने सेपरेट शर्ट और सेपरेट पैंट लिए। और ये देखिए व्यूअर्स, दूसरी शर्ट जो है वो ये है, ये हमने इसको पहना के देखा था तो फिर इसलिए इसको मोड़ दिया था। ये देखिए, अब आपने मुझे ये बताना है कि ये तीन शर्टें हैं चेक वाली और तीन जो हैं इसकी पैंटें हैं, तो आपने मुझे ये बताना है कि कौन सी शर्ट जो है वो कौन सी पैंट के साथ सूट करेगी। मेरे प्यारे बहन भाइयों ने सबने मेरी वीडियो देखनी है और वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और कमेंट करके मुझे ये बताना है कि आपको जो शर्टें हैं ये कौन सी शर्ट जो है वो कौन सी पैंट के साथ आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी, कौन सी पैंट के साथ इसको यूज़ करना चाहिए। हमने जो है इसको इस तरह से पेयर बनाया हुआ है, ये जो है इसके साथ हमने इसका पेयर बनाया है और ये वाला जो है इसको इसके साथ बनाया हुआ है, और ये जो पैंट है इसको हमने इस वाली शर्ट के साथ बनाया है। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कौन सी जो है शर्ट कौन सी पैंट के साथ ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो फिर मैं इसको उसी तरह से यूज़ करूँगी जैसे आप लोग बताएंगे, ठीक है। मेरे सब बहन भाइयों ने मुझे ज़रूर बताना है। ये देखिए, ये तीनों आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनमें से कौन सा किसके साथ अच्छा लग रहा है ये मुझे ज़रूर बताना है आपने कमेंट में। तो व्यूअर्स चलते हैं, अब दोपहर के खाने का टाइम होने वाला है तो चलते हैं दोपहर के खाने की तैयारी करते हैं, तो फिर मैं आपसे कुछ देर के बाद बात करती हूँ। हैं हारिस के शूज़ हैं, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत लेके आया है शूज़। तो वैसे आपने मुझे बताना है कि आपको शूज़ कैसे लगे, इसको हमारी ज़बान में खेड़ी बोलते हैं, खेड़ी वाला या फिर नरोज़ी बोलते हैं और खेड़ी बोलते हैं, और तो आपकी ज़बान में इसको क्या बोलते हैं आपने मुझे ज़रूर बताना है। हरीम के जूते जो हैं वो हमने पहले ही ख़रीदे हुए हैं तो वो यही यूज़ कर लेगी। प्यारे बहन भाई, शाम जो है वो काफ़ी हो चुकी है और मैं जो हूँ दोपहर का काम करके और छत पे आ गई थी। ये देखिए, काफ़ी टाइम हो चुका है और बच्चे जो हैं वो दोपहर से ही नीचे हैं, वो ऊपर नहीं आए हैं, तो इसी वजह से अब मैं नीचे जा रही हूँ। बच्चों ने सारा मेरा रूम जो है वो फैला दिया है पूरी तरह से, और इसके बाबा जो हैं वो गाजर लेके आए थे, बिल्कुल फ्रेश गाजर हैं क्योंकि उन्होंने जूस बनवाना था तो इसीलिए इनको धो के रखा हुआ है। और खट्टी हलवे के लिए सूजी जो है वो भिगो के रखी हुई है। पानी दे दो। तो ये व्यूअर्स है सूजी, इसको हमने भिगो के रखा हुआ है, इसका मखड्डी हलवा बनाने का इरादा है इसलिए इसको भिगोया है। अभी कुछ देर जो इसको भिगोएंगे उसके बाद इसको हलवा बनाएंगे। हलवा जो है बन चुका है,
देखो मेरे प्यारे बहन भाई, वो सारी चीज़ों को फैला के और दोनों बहन भाई जूते पहन के चले गए हैं। जो है अलमारी बंद कर देते हैं और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी बेटी का बेबी है, ये उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, हर वक्त इसकी बातें करती रहती है, हर वक्त इसको उठा के रखती है और इसको साथ लिटा के फिर सोती है। रियल बेबी जैसा है, बिल्कुल जैसे एक छोटा सा बेबी होता है, बिल्कुल ऐसा है। बस चीज़ों को उठाते हैं और फेंक के चले जाते हैं बार बार नीचे, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से आ जाते हैं। ये देखें, ये इधर अपनी गन छोड़ के चला गया है। अभी इसके सेल ख़त्म हो रहे हैं तो जब इसको हम क्लिक करते हैं ऐसे तो फिर ये आवाज़ें भी निकालती है और यहाँ से चलती भी है। ये अभी जो है इधर फेंक के इसको चला गया है। प्यारे बहन भाइयों, वीडियो का करते हैं एंड, और आप लोगों ने मेरी वीडियोस ज़रूर देखनी है, स्किप नहीं करनी, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी है या नहीं। तो मिलते हैं कल फिर, तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।